इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं हारने से नफरत करता हूं। ये महान शब्द उस महान सोल्जर के हैं जिसने 29 साल तक हार नहीं मानी और काफी बहादुरी से लड़ता रहा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हीरो ओनोडा के बारे में। ये कहानी एक बहादुर जापानी सैनिक की है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी 28 वर्षों तक अपने देश के लिए युद्ध और संघर्ष जारी रखा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1944 में लेफ्टिनेंट हीरो ओनोडा को द्वारा भेजा गया था जापानी सेना लुबांग के सुदूर फिलीपीन द्वीप के लिए। उनका मिशन के दौरान गुरिल्ला युद्ध का संचालन करना था द्वितीय विश्व युद्ध। दुर्भाग्य से उन्हें कभी भी आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया कि युद्ध समाप्त हो गया है, इसीलिए 29 वर्षों तक ओनोडा जंगल में रहना जारी रखा। इस बात के लिए तैयार था कि उसके देश को फिर से उसकी सेवाओं और सूचनाओं की आवश्यकता कब होगी। दोस्तों, हीरो ओनोडा एक जापानी नागरिक है जो मूल रूप से चीनी व्यापारिक कंपनी में काम करता था। जब वो 20 साल का था तो उसे जापानी सेना में शामिल होने के लिए बुलाया गया। उन्होंने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी और जापान में प्रशिक्षण के लिए नेतृत्व किया। अपने प्रशिक्षण में एक निश्चित बिंदु पर उन्हें नाकानो स्कूल में एक शाही सेना खुफिया अधिकारी के रूप में चुना गया था। उसकी ट्रेनिंग में उसे सिखाया गया कि गुरिल्ला फाइट कैसे की जाती है और मुश्किल परिस्थिति में कैसे जिंदा रहा जाता है। उसे यह भी सिखाया गया कि दुश्मन के इलाके में महीनों तक किसी तरह अकेले भी जंगलों में रहकर दुश्मन से जुड़ी जानकारी प्राप्त की जाती है और समय आने पर कैसे दुश्मनों को छुपकर मारा भी जा सकता है। दिसंबर 1944 को उसे फिलीपीन के लुबांग द्वीप पर जाने का आदेश दिया गया। उसके कमांडर मेजर योशुमी तनीगुची का सख्त आदेश था कि जिस मिशन पर उसे भेजा जा रहा है उसमें कई वर्ष भी लग सकते हैं, तो हो सकता है कि उसे सिर्फ नारियल खाकर ही जिंदा रहना पड़े, मगर किसी भी हालत में वो दुश्मन से जुड़ी जानकारी एकत्र करेगा और हर हाल में जिंदा रहेगा। उससे वादा किया गया कि युद्ध जीतने के बाद उसे वहां से लेने के लिए जापान की सेना वहां जरूर आएगी। ओनोडा को इसके बाद फिलीपीन के एक टापू पर छोड़ दिया गया जहां उसने पहले से रह रहे कुछ जापानी सैनिकों से संपर्क किया और अपने मिशन पर कार्य करने लगा। कुछ ही सप्ताह बाद दुश्मन के सैनिकों ने उन पर हमला किया जिसमें जापानी सैनिक ने बुरी तरह से दुश्मन को खदेड़ दिया। इस परिस्थिति से निपटने के लिए जापानी सैनिकों ने चार चार के समूह में बंटकर जंगल में छिपने का प्लान बनाया। इनमें से ज्यादातर समूह को दुश्मनों ने ढूंढकर मार डाला, मगर कुछ अन्य समूहों समेत ओनोडा और उसके समूह के 3 साथियों को दुश्मन ना ढूंढ सके। खाने में सामान की कमी के चलते चारों को जंगल संसाधनों और खाने पर निर्भर रहना पड़ा और कभी कभी आसपास के गांव वालों को डराकर खाने के सामान का इंतजाम करते थे। ओनोडा की कमांड में उनके साथी कई महीनों तक गुरिल्ला फाइट के जरिए दुश्मन को टक्कर देते रहे और मारते रहे। एक दिन गांव के खेत में वो लोग कुछ गांव वालों को डराने जब पहुंचे तो गांव वालों ने कुछ कागज के टुकड़े दिखाते हुए कहा कि युद्ध अगस्त 1945 को ही समाप्त हो गया जिसमें जापान की हार हो गई है। उन्हें यह भी बताया गया कि अमेरिका ने 2 परमाणु बॉम्ब जापान पर गिराए हैं जिसके बाद जापान ने हार स्वीकार कर युद्ध समाप्त करने की घोषणा की है। ये बात बचे हुए सभी समूहों में अत्यधिक डिस्कस की गई और सोचा गया कि ये दुश्मनों की एक चाल है जिसके जरिए दुश्मन उनको जंगल से बाहर निकालना चाहते हैं। ये इसलिए विश्वास करने योग्य नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा कोई बॉम्ब आज तक किसी ने देखा ही नहीं था जो शहर के शहर को नष्ट कर दे। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही एक जापानी समूह को दुश्मन ने मार गिराया था। ओनोडा और उनके साथियों ने अपना काम जारी रखा। वो गांव वालों को लूटते और कभी कभी मार भी देते और जैसे तैसे जंगलों में छुपकर दुश्मनों पर हमला करके उन्हें मारते रहे। गांव वालों ने दुखी होकर अपनी सरकार से गुहार लगाई जिसके बाद एक विमान से पूरे जंगल में पर्चे फेंकवा दिए गए। इन पर्चों में लिखा था कि विश्व युद्ध समाप्त हो गया है और अब वो सरेंडर कर अपने देश जा सकते हैं। इसके अंत में ये भी लिखा था कि ये आदेश जनरल याशीमाटा की तरफ से है। इन पर्चों पर लिखी बात ओनोडा और उसके साथी के गले नहीं उतर रही थी कि जापान हार कैसे गया।
वो अभी भी ये मानते थे कि जापान जरूर जीतेगा और जब जापान जीतेगा तब जापानी सैनिक उन्हें लेने वहां जरूर आएंगे। इसका मतलब था कि युद्ध अभी भी चल रहा है और ये सब दुश्मनों की एक चाल है। जब बात नहीं बनी तब और ज्यादा पर्चे फेंके गए, लाउड स्पीकर से जंगलों में घोषणाएं करवाई गईं, यहां तक कि जापानी अखबारों से फोटो लेकर उसके पर्चे बनवाए गए और जंगल में फिकवाए गए। मगर हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता रहा जो ओनोडा और उनके साथियों के मन में शक पैदा करता रहा कि ये दुश्मनों की एक चाल है। यही सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद गोलियों की आवाजें कम हुईं। अब वर्दी पहने लोग भी जंगल के आसपास बहुत ही कम नजर आते थे। गांव में सभी लोग सिविलियन ड्रेस में नजर आते थे, मगर जैसे ही वो इन गांव वालों को डराने के लिए गोली चलाते तो कुछ ही समय में सैनिक टुकड़ी वहां पहुंच जाती थी। ये देख ओनोडा और साथियों को पक्का यकीन हो गया कि ये भी दुश्मन की ही चाल है और अभी भी गांव वालों की वेशभूषा में दुश्मन मौजूद है। इसके 5 साल बीत जाने के बाद उनके एक साथी ने सरेंडर करने का मन बना लिया था और बाकी 3 से छुपकर वहां से भाग निकला और सरेंडर कर दिया। इसके बाद तो ओनोडा और बाकी के दोनों साथी और चौंकना हो गया। उन्होंने अपनी पोजीशन और प्लान दोनों बदल लिया। वो जानते थे कि दुश्मन उनके साथी से उनका सुराग जरूर पता लगा लेंगे। इसके 5 वर्ष बाद एक और साथी को मार गिराया गया। अब मात्र 2 लोग ही बचे थे। उन दोनों ने अगले 17 वर्ष जंगल में बिताए और दुश्मन से जुड़ी जानकारी एकत्र करते रहे। उन दोनों को अभी भी पूरा यकीन था कि विश्व युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। आखिर ओनोडा को यही सब आदेश देकर तो यहां भेजा गया था कि कुछ भी हो जाए जिंदा रहना है और जापानी सैनिकों के आने का इंतजार करना है, जो वो कर रहे थे। 27 साल बाद अक्टूबर 1972 में ओनोडा के आखिरी बचे साथी को भी फिलीपींस सैनिकों द्वारा मार गिराया गया। इसकी डेड बॉडी अब जापान भेजी गई तो जापानी सेना हैरान हो गई, क्योंकि जापानी सेना ये मान चुकी थी कि अब तक उनके कोई सैनिक जिंदा नहीं रह सकते। जापानी सेना को यकीन था कि सिर्फ ओनोडा ही एकमात्र सैनिक है जिसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा था और उन्हें एहसास हुआ कि वो अभी भी जिंदा हो सकता है। जापानी सेना ने एक सीक्रेट पार्टी को फिलीपीन भेज दिया, मगर अकेला बचा ओनोडा 27 वर्षों में छुपने में माहिर हो चुका था। सीक्रेट पार्टी उसे ढूंढ पाने में सफल हुए बिना ही वापस चली गई। इसके 2 साल बाद 1974 में एक जापानी युवक नारियो सुजुकी ने वर्ल्ड टूर का प्लान बनाया। इस टूर में उसने कुछ चीजों की लिस्ट बनाई जो वो करना चाहता था, जिसमें उसने 3 चीजों को खोज निकालने का मन बनाया और वो 3 चीजें थी ओनोडा, पांडा और स्नोमैन। हैरानी की बात थी कि पिछले 29 वर्ष जहां हजारों लोग ओनोडा को नहीं तलाश पाए, मगर सुजुकी ने ये कर दिखाया। सुजुकी वहीं टापू पर गया और वहां उसने सुराग पता किए और फिर उसे ढूंढने में कामयाब रहा और उसने ओनोडा को अपने घर चलने के लिए मनाया। उसे बताया कि किस तरह से 1945 में ही युद्ध समाप्त हो गया, मगर ओनोडा मानने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके कमांडर ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध समाप्त होने के पश्चात उसे लेने जरूर आएंगे। वो जानता था कि उसे यहां से आसानी से नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में उसने 30 फिलीपींस सैनिकों को मार दिया था और सैकड़ों लोगों को घायल किया था। इस खबर के साथ सुजुकी वापस जापान लौट आया और सारी बात सेना को बता दी। सेना ने उसके तत्कालीन कमांडर याशिमाटा, जो अब रिटायर हो चुके थे और एक बुक स्टोर पर काम करते थे, उन्हें साथ लिया और फिलीपीन के उस टापू पर चले गए। वहां ले जाकर ओनोडा को उसके कमांडर ने समझाया कि युद्ध समाप्त हो गया है और अब वो घर चल सकता है। जब ओनोडा का सामना अपने कमांडर से हुआ तो सच्चाई जानने के बाद ओनोडा पूरी तरह से सदमे में पड़ गया। उसने जाना कि उसने 30 साल यूं ही गंवा दिए। इसके अलावा न जाने कितने ही बेकसूर स्थानीय नागरिकों को शक के कारण मार दिया। ये बात भी वो सह नहीं पाया कि जापान ने 2 शहरों में करीब 5 लाख नागरिकों की जान गंवाने के बाद समर्पण कर दिया। जल्दी ओनोडा ने अपने आप को संभाला और महसूस किया कि गोरिल्ला फाइटर्स के उसके दिन अब पूरे हो गए। 10 मार्च 1975 को 52 वर्षीय ओनोडा अपनी उसी जापानी वर्दी में जंगल से 30 वर्षों बाद बाहर निकल आया और तत्कालीन फिलीपीन राष्ट्रपति को अपनी तलवार सौंपते हुए आत्मसमर्पण कर दिया।
राष्ट्रपति ने उसके गुनाहों को ये कहते हुए माफ कर दिया कि उसे लगता था कि वो अभी भी युद्ध लड़ रहा है। ओनोडा को जापान लौटने पर एक हीरो के रूप में स्वीकार किया गया और सम्मान दिया गया। उसके साहस, देश प्रेम और कर्मनिष्ठा, त्याग और 30 वर्षों तक संघर्षपूर्ण जवानी जीने के लिए उसे 30 वर्षों का वेतन भी दिया गया। हालांकि जब वो जापान लौटा तब तक जापान पूरी तरह से बदल गया था। ये बदला जापान यानी कि टेक्नोलॉजी में अब विश्व की सबसे बड़ी ताकत था और वो उसे भा नहीं रहा था क्योंकि जिस पुरानी संस्कृति को वो जानता था वो आधुनिकता में कहीं खो गई थी। वो आगे का जीवन जीने के लिए ब्राजील के एक छोटे से कस्बे में चला गया और वहीं पर शादी भी की। 1996 में उसी टापू पर जाकर उसने गांव वालों को अपनी जमा पूंजी में से $10,000 का दान भी दिया। इसके बाद ओनोडा ने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की जिसका नाम है नो सरेंडर माय 30 ईयर वॉर। 17 जनवरी 2014 को 91 वर्ष की उम्र में इस महान योद्धा का देहांत हो गया। वैसे दोस्तों, आपको क्या इससे पहले इस रियल हीरो के बारे में पता था या फिर नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।